नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI2 में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त हमें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में हैं। अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आए यहाँ पर इसी तखत साहब में। जब भी देखिए तो काफ़ी लोग एक उत्साह रूप से देखा जाता है, और कहीं ना कहीं देखिए तो एक सिख समाज के लिए एक गर्व की बात है कि देश के बड़े नेता यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं और गुरु साहब के गुरु घर के पास जाकर वहाँ पर मत्था टेके हैं, आशीष लिए, आशीर्वाद लिए हैं, सरोपा लिए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली है। देश दुनिया की तमाम सिख संगत लोग आते हैं आज की कड़ी में इस मौके पर अमित शाह जी के साथ में। पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर यादव, महापौर श्रीमती सीता साहू और तमाम अगर देखिएगा तो सिख संगत के साथ साथ अलग लोग आए थे एक उत्साह के लिए। साथ में अमित शाह जिंदाबाद के नारा, हर हर मोदी हर घर, ये तमाम तरह के यहाँ पर नारे भी लग रही थी। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह भी अगर दृष्टि अगर देखिएगा तो एक काफ़ी उत्साहजनक रहा। खास करके पटना साहिब में गृह मंत्री का होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरा भी दादे कलियां वाले, फौजा वाले, बाजा वाले, ताजा वाले सतगुरु धन धन दशमेश पिता सदा सदानी नीले शाह सवार आनंदपुर दे माली साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जिन्हां दे महान पावन पवित्र प्रकाश स्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब दे महान पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी भर के जीवन जन्म सफल कर रही गुरु का खास रूप गढ़भागी गुरु संगत जी सतगुरां ने बहुत वड्डा तरस रहमत की है, अपने महान चरणा की शरण बख्श के नवाजा है। आप गुरु दिया संगत दूरों बेड़े चल के गुरु दरबार अंदर हाजरी भरन वास्ते एकत्रित हो रहे हो। साध संगत जी अज नो प्रसंग असी लड़ी पार विचार करन वाले हां, क्योंकि दरबार साहब की निकाह करनी जो चाहती है बहुत ही श्रद्धा लैके दिखी पहाड़ी राजा सी क्योंकि पहला तो गुरु दरबार के दरवाजे राजे महाराजे शीश नवाउंदे आए हैं और एक कई दरबार क्योंकि शिक्षावां दे शाह पातशाह दा दरबार है, ऐसे दुनियावी राजे हमेशा ही आपके नतमस्तक खुले रहे हैं। और इसे तरह जब भीम चंद दीनदयाल सच्चे पातशाह जी नूं आनंदपुर साहिब विच पार